हेलो गाइस, टेक बॉस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फाइनली पोको ने अपना एक और एम सीरीज का फ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, पोको M5 4G, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आइए जानते हैं इसकी क्या खास स्पेसिफिकेशन होने वाली, क्या खास प्राइसिंग रहने वाली। सबसे पहले इसके डिस्प्ले शुरुआत करते हैं। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.58 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी होने वाली 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर इसकी टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो इसमें 240 हर्ट्ज तक का इसमें टच सैम्पलिंग रेट होने वाला। अगर इसकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी इसमें होने वाला। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो इसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का होने वाला है, इसका जो बैक है वो भी प्लास्टिक का होने वाला है। इसके बैक साइड पर आपको लेदर जैसा कुछ टेक्सचर होने वाला है इसकी बैक साइड पर। फोन का लुक काफी जबरदस्त होने वाला है। अगर इसकी कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है और वही 2-2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ और मैक्रो लेंस होने वाला है। इसके कुछ सैंपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके रियर कैमरे से काफी अच्छी फोटोज निकल कर आती हैं। अगर इसकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं इसकी चिपसेट की बात करें तो इसमें मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट होने वाला है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इस चिपसेट का जो कॉम्पिटिटर है वो स्नैपड्रैगन 680 है, जो कि हमें रेडमी की नोट 11 सीरीज में भी देखने को मिल चुका है। और इस फोन में LPDDR4 XRAM UFS 2.2 का स्टोरेज भी इसमें देखने को मिलता है, जिससे इस फोन की रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की एक बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। और अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर का सपोर्ट इसमें होने वाला है। वैसे Xiaomi के फ़ोन में मोस्टली जो सिंगल स्पीकर वाले फ़ोन भी होते हैं उनका जो साउंड होता है वो काफ़ी लाउड होता है। और इस फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 इसमें आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। फाइनल इसकी कलर की बात करें तो इसमें हमें 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, पावर ब्लैक, कूल ब्लू और लास्ट पोको का वही कलर पोको येलो। फाइनल इसकी वेरिएंट की बात करें तो इसमें हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB जिसका प्राइस 12,499 रुपये रखा गया है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है 6GB 128GB जिसका प्राइस 14,499 रुपये रखा गया है। इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 13 सितंबर को फ्लिपकार्ट पर होने वाली है। बिग बिलियन डेज जो सेल होने वाली है फ्लिपकार्ट पर, उस सेल में ये फ़ोन आने वाला है। और इस फ़ोन पर आपको ICICI और एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ 1500 रुपये के आसपास डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां जगह चेकआउट कर सकते हैं। आपको इस फोन के स्पेक्स और प्राइसिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।